नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज चैनल सुनील हालाखंडी के व्यूज में। आज जैसा आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मेरे दिलीप कुमार की 98 साल की उम्र में बॉम्बे के एक अस्पताल में सुबह 7:30 बजे मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की सूचना शायद उनके ट्विटर हैंडल से शायरा बानो, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने दी। पिछले कई दिनों से, मेरे ख्याल से पिछले 2 दशक से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे और अस्पताल से आते जाते रहते थे, तो ये उनको एक तरह से कहें तो उनको मुक्ति मिली। मेरा मानना है, आप शायद नहीं मानेंगे, आप कहेंगे कि ये बहुत ही फिल्मी दुनिया के लिए या और भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और आज दिन भर आप देखेंगे कि सारे न्यूज चैनल में आपको दिलीप कुमार के विभिन्न रोल, उनकी फिल्में, उनके फिल्मों के गाने, उनके फिल्मों की कहानियां, उनके फिल्म हीरोइनों के साथ संबंध और वर्तमान में उनकी जीवनी में क्या चल रहा था, वो क्या बीमार हुए थे, क्या बीमारियां थी, उनकी बीमारी का डायग्नोसिस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उनकी मृत्यु पर खेद जताया और उन्होंने कहा है कि ये कल्चरल, भारत की कल्चरल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। राहुल गांधी ने भी उनके प्रति ट्वीट किया और आप देखेंगे कि दुनिया भर के सारे नेता, छोटे से बड़े, सभी ट्वीट करेंगे या उनको श्रद्धांजलि देंगे। इस फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होगा और आज दिन भर आप टीवी पर यही देखेंगे। तो इससे आपको तो आपको एक तो रोज की जो बकवास बहस होती है टीवी पे, पॉलिटिकल बहस, उससे छुटकारा मिलेगा और थोड़ा डाइवर्शन होगा, तो शायद आपको अच्छा लगे। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई। दिलीप कुमार मेरे ख्याल से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। यदि हरफन मौला अशोक कुमार को छोड़ दिया जाए तो, और उनकी जो टैलेंट थी वो निश्चित रूप से राज कपूर और देवानंद से भी वो ऊपर थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे और उनको ट्रेजेडी किंग क्या कहा जाता था और उनकी शायद सारी फिल्में सफल हुआ करती थी। और मुझे याद है कि लास्ट में उनकी एक शायद फिल्म धर्मा थी जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल अपनाया था और काफी अच्छा अभिनय किया था। अभिनय के मार में वो बिल्कुल मतलब अल्टीमेट थे, कोई कमी नहीं थी उनके अभिनय में। और ट्रेजेडी तो होती थी तो बस आपको रुला ही देते थे, सारा थिएटर रोता था उस समय। अब इसके अलावा दिलीप कुमार का भारत या नेशन के लिए या सोसाइटी के लिए कोई और योगदान हो, मुझे तो पता नहीं। मैंने अभी काफी देर से, जब से मुझे उनकी मृत्यु का समाचार मिला, मैं खंगाल रहा था नेट को, मुझे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कुछ फिलेंथ्रोफिक किया हो, समाज की सेवा के लिए कुछ किया हो, तो ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला। यदि आपको ऐसी कोई जानकारी हो तो जरूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लेके, ताकि मैं अपनी जानकारी को अपडेट कर लूंगा। दिलीप कुमार वास्तव में देखा जाए तो, जैसा कि आजकल भारत में धर्म निरपेक्षता पे काफी बड़ा जोर दिया जा रहा है, तो एक ट्रू सेंस में धर्म निरपेक्ष, ट्रू गलत बोल गया मैं, वो रियल में एक शब्द में धर्म निरपेक्ष थे। वो मुस्लिम थे, उनका नाम यूसुफ था, यूसुफ खान था या पठान था मुझे मालूम नहीं, यूसुफ था, लेकिन उन्होंने नाम परिवर्तन करने के लिए फिल्मों में दिलीप कुमार के नाम से जाने जाते थे। अब इन्होंने क्यों दिलीप कुमार नाम रखा, इसका मैं सीधी सीधी बात है कि भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है और शायद हो सकता है उस समय उनको लगा होगा कि वो हिंदू नाम रखेंगे तो जो ज्यादा जनता है, हिंदू जनता है, वो ज्यादा फिल्में देखने के लिए आएंगी, तो उन्होंने अपना नाम हिंदू रख लिया और वो पूरे सफल रहे, एकदम टॉप क्लास पॉपुलर स्टार थे। और उन्होंने इस तरह से हिंदू अपना नाम रखा, इसके इसके कारण यदि आपको, अगेन मेरा सवाल वही कि अगर आपको कोई और दूसरा कारण उनके नाम परिवर्तन का आता हो तो आप मुझे बताइए। उन्होंने हिंदू नाम तो स्वीकार नहीं किया था, जैसा कि जो अभी एक संगीतज्ञ साउथ के, उनका नाम शायद दिलीप था, उन्होंने अपना नाम बदल के मुस्लिम धर्म चेंज किया, तो उन्होंने भी अपना नाम मुस्लिम नाम रख दिया। तो ऐसा छद्मता छद्म नहीं दिखाई, उन्होंने सीधा सीधा मुस्लिम नाम इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी मेमोरी इस मामले में थोड़ी कमजोर है। क्या दिलीप कुमार का सबसे बड़ा योगदान जो है इस देश के लिए, वो है लव जिहाद। लव जिहाद के वो प्रणेता थे। आज आपने देखा होगा कि एक विशेष शांति प्रिय समुदाय के लोग अपना नाम हिंदू या क्रिश्चियन या फिर सिख कुछ रख लेते हैं और फिर हिंदू लड़कियों से या क्रिश्चियन लड़कियों से या गैर धर्म के लड़कियों से प्रेम प्रसंग करते हैं और फिर उससे शादी कर लेते हैं छद्म नाम से, और फिर बाद में उसको या तो धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं या फिर आईसीएस के पास वहां भेज देते हैं। अब आप इसमें कहेंगे कि मैं मोदी हिंदुवादी विचारों का हूं या मोदी समर्थक हूं तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। केरला गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है कि एक पर्टिकुलर ईयर में 1100 कुछ लड़कियों को लव जिहाद के थ्रू
गल्फ में आईसीस के पास भेजा गया था, उसमें से 300 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां थी। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कश्मीर में भी एक दो लड़कियों को अपहरण करके उनका मुस्लिम के साथ विवाह कर दिया गया। मैं मुस्लिम यूज कर रहा हूँ बट क्योंकि इसमें अगर नहीं भी करूंगा तो भी आप समझ जाएंगे कि मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक आज के समाज को सबसे बड़ी जो दिलीप कुमार की देन है वो है लव जिहाद। और इसके अलावा मुझे तो कोई समझ में नहीं आता है, दिलीप कुमार के धर्मनिरपेक्ष होने का एक और उदाहरण है कि मैंने सुना है कि उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो भाजपा के नेता, भूतपूर्व नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन को देखते हैं या उनकी फोटो देखते हैं तो उनको दानव नजर आता है, यानी राक्षस नजर आता है। तो इस कदर धर्मनिरपेक्ष थे वो। आपको मालूम है प्रमोद महाजन अगर असामायिक मंत्री नहीं होती तो शायद वो पीएम पद के उम्मीदवार होते, इतने दिग्गज नेता थे। और उनको दिलीप कुमार ने दानव से पहचाना। तो दिलीप कुमार की यही कुछ खूबियां थी, एक्टर बेमिसाल थे। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कहीं कोई आ रहा हो तो जरूर बताइए मुझे कि क्या थे। वैसे भी लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होगा, पिछले 20 साल 30 साल से तो फिल्मों में कुछ गई नहीं थे, यहीं कहीं सूट पहन के सारा अपन का हाथ पकड़े हुए नजर आते थे किसी किसी समारोह में। और हाँ एक बात और है, वो उनके धर्मनिरपेक्षता की इस बारे में भी आप कह सकते हैं कि वो उनकी तबीयत जब असहिष्णुता का जब दौर चला था तब यदि वो पूरे होश आवास में होते तो वो भी अपने जो दो तीन जो अवार्ड जो उनके कबाड़ में पड़े होंगे और मिट्टी खा रहे होंगे उनको झाड़ पहुँच के वो भी उनको वापस लौटा देते, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि शायद पूरे फुल सेंसेस में नहीं थे, नहीं तो जरूर करना चाहिए था। असहिष्णुता में तो आमिर खान ने बोला है, जिसने कि तो अपना नाम भी चेंज नहीं किया था उसने, आमिर खान ने आमिर खान ही रखा। शाहरुख खान ने बोला है, आमिर खान ने तो ये कहा कि उनकी पत्नी को तकलीफ हो रही है भारत में रहने के लिए, और अब देखो आप उसका रिजल्ट, उनकी पत्नी भारत उनको भी छोड़ दिया, उस भारत को भी छोड़ के कहीं भाग जा रही है। तो दिलीप कुमार ने एक सच्चे रूप में छद्म धर्मनिरपेक्ष थे और मैं तो उनको उसी रूप में याद करता हूँ। मुझे एक्टिंग तो जहां तक है मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी थी, वो उनका प्रोफेशन था और उसमें उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया और शोहरत भी कमाई है, लेकिन एज एन इंसान मैं समझता हूँ कि वो छद्म धर्मनिरपेक्ष थे और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना धर्म के प्रति कुछ सहानुभूति जरूर रखी और नाम बदल के उन्होंने लव जिहाद के प्रणेता के बने या एक आइडिया दिया कि कैसे लव जिहाद की जा सकती है। तो आपको बहुत लोगों को मेरे विचार अच्छे नहीं लगे होंगे, ऑब्जेक्शनेबल भी लगे होंगे, पर ठीक है, हर किसी को कहने की आजादी है, मेरे को है, मैंने कहा, दूसरे लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे तो अच्छी बात, मेरी भी उनको श्रद्धांजलि है और उनके परिवार के साथ पूरी पूरी सहानुभूति है। तो बस इतना ही, अच्छा लगा हो तो ट्रैक करें, बुरा लगा हो तो गाली तो मत देना कम से कम बॉक्स में, नहीं तो यूट्यूब वाले निकाल देंगे क्योंकि उनकी कम्युनिटी कमेंट्स की जो गाइडलाइंस है उसमें नहीं आएंगे, इसलिए अच्छा हो तो लिखे, नहीं तो वो उल्टा ऐसे अंगूठा होता वैसा कर देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझे झेलने के लिए। नमस्कार।